देखिए लोडर और लीडर, लोडर का काम होता है मालिक के आदेश पे जूता पॉलिश करना, लोडर का काम है हिम्मत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 68,500 में 27% पिछड़ों का, 22.5% दलितों का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने, जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो जबान काट लेता योगी, औकात नहीं है उनकी। छात्रवृत्ति पिछड़े समाज के लोगों को नहीं मिली, सामान्य वर्ग को मिली, अनुसूचित जाति जनजाति को मिली, जबान खोलते तो जबान काट लेती सरकार भाजपा, ये क्या बोलेंगे? पूछिएगा उनसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कहाँ थे, लाठी खा रहे थे बच्चे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ जब जांच हुई तो आरक्षण लूटने की बात खुल करके सामने आ गई। कहाँ थे ये लोग? पिछड़ी जाति के नेता बनते हैं ना, पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है, जूता साफ कर रहे हैं वहां बैठ के। आपने कहा कि औरतों की कमाई खाने वाला बीजेपी को वोट देगा, इसके पीछे क्या क्या बात है, क्यों आपने ये बात कही? चुनाव के बाद मिलिएगा तो बताएंगे। योगी ने फिर कहा है कि 10 मार्च के बाद हिस्ट्री सीटर अपने जान की भीख मांगेंगे। इनके राज में तो हिस्ट्री सीटर मजा ले रहे हैं, 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में है कि नहीं है? इनकी हिम्मत है उसको छूने की? जितने माफिया गुंडा अपराधी हैं सब भाजपा में हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि सपा सीट देकर प्रत्याशी बना रही है। 90% अपराधी तो भाजपा में हैं। संगीत सोम साधु हैं, सुरेश राणा साधु हैं, अयोगी जी जब मुख्यमंत्री की शपथ लिए तो आपराधिक मुकदमा तेनहू के ऊपर रहा, डिप्टी सीएम केशव मौर्या के ऊपर रहा। ये लोग कहे नहीं, अब ये अपन सूचिया जारी करें कितना मुकदमा रहल, दूसरों को मत कहो पहले अपना बता दो। अखिलेश चैनलों पे बाइट दे रहे हो, कह रहे समय खत्म हो गया है, तो क्या उनका कोई फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ये समय? अरे हमार तो समय है, हमसे जितना पूछा बताई यार। नहीं अखिलेश की बात हो रही, आपके साथ गठबंधन किए है। अरे तो हम गठबंधन है के साथ ही है ना। नहीं नहीं, जैन जी को अमित शाह जी बोल रहे हैं गलत घर में चले गए, तो आपसे कोई बात हो रही है बीजेपी से? ये अमित शाह जी गलत काम कर रहे हैं, ये बताइए। कल तक यही अमित शाह जी कहते थे कि जमाती थूक रहे हैं, कोरोना फैल रहा है। अमित शाह जी घर डोर टू डोर जा कर के थूक लगा लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिना मास्क का घूमत हुमन, कोरोना थूक लगा लगा मजे के बाद थूक लगा के बांटत हुमन, ये कौन सा नियम है? पूछिएगा उनसे। कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया था, उसका क्या हश्र हुआ सबके सामने है, आप कर रहे हैं, अब क्या होने वाला है? यार सरकार बनेगी, 10 तारीख को बाजा बजेगा, 10 मार्च को। इस दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।